हेलो एवरीवन आइए शुरू करते हैं 14 जून के टॉप 10 डेली एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्टार्ट किया है तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और यूएई ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है भारत और यूएई अब आपस में जब व्यापार करेंगे तो वो अपनी अपनी मुद्राओं के साथ व्यापार कर सकेंगे तो भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्टार्ट किया है यूएई की राजधानी अबू धाबी है करेंसी चलती है यूएई में दिरहम और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ये याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की अब तक कुल मिला के तीन राजधानियाँ हुआ करती थी लेकिन अब केवल एक ही राजधानी होगी अमरावती आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू उन्होंने इस बात की घोषणा की है चंद्रबाबू नायडू को हाल ही में राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नज़ीर के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजीव तारानाथ की डेथ हो गई है वो कौन थे तो फ्रेंड्स राजीव तारानाथ का संबंध कर्नाटक से है और वे एक जाने माने सरोद वादक थे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोदवादक पंडित राजू तारानाथ का बानबे साल की उम्र में निधन हो गया है उनके निधन पर कर्नाटक के सीएम एम सिद्धरमैया ने शोक व्यक्त किया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट यानी कि एस बी वेंचर्स लिमिटेड ने किसे एम बनाया है तो फ्रेंड्स ये हैं प्रेम प्रभाकर अब इसमें एक नाम आपको और याद आ रहा होगा पूजा तोमर का पूजा तोमर जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है और इन्होंने अभी हाल ही में एम एम MMM, एम यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट में तो फ्रेंड्स मिक्स मार्शल आर्ट में द साइक्लोन के नाम से जाने जाने वाली भारतीय महिला फाइटर हैं पूजा तोमर उन्होंने यू में इतिहास रच दिया है फाइटर के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू करते हुए यू यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहाँ की रहने वाली हैं तो उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान क्या नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं तो बांग्लादेश के ऑप्शन ए आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है तो याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान ये बांग्लादेश की सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या देखिएगा कि 2024 में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता रूस को सौंपी गई है पिछली बार इसकी अध्यक्षता की गई थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 22, 23 और 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये पंद्रहवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें छह देशों जिसमें अर्जेंटीना इथियोपिया ईरान सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल करने को आमंत्रित किया गया था इसमें अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है जबकि पांच देश इथियोपिया ईरान सऊदी अरब और यूएई ये ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है यानी कि इस साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की जा रही है पेमा खांडू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो फ्रेंड्स पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये किस पार्टी से हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं एग्जाम में एक प्रश्न अक्सर आता है कई बार कैसा होता है कि यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प बी में राज्य और विधानसभा सीटों की संख्या दे दी जाती है तो उसको मैच कराना होता है तो मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि अभी हाल ही में उड़ीसा में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर कुल एक सीटों पर चुनाव हुआ था और मुख्यमंत्री कौन बने हैं मोहन चरण माझी इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए तो उसमें कुल साठ सीटों में से बीजेपी को मिली हैं छियालीस सीटें और अब बीजेपी के जो पेमा खांडू हैं इन्होंने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है तो हाल ही में तीन नए मुख्यमंत्री बने सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के बने हैं मोहन चरण माझी पचासवा जी सेवन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आमंत्रित किए गए हैं और जी सेवन शिखर सम्मेलन में भारत जो है वो अतिथि देशों में शामिल है तो फ्रेंड्स इसका आयोजन इटली में किया जा रहा है इसका जो उनचासवं संस्करण था उसका आयोजन जापान में किया गया था याद रखिएगा और यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में होगा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन ब्राजील में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं जिनका आयोजन किस देश में होगा ये आप याद रखिएगा तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और देखो फ्रेंड्स अगर लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर पूरी मंथली पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद